ये जो ब्रिज है हमारा वायल ब्रिज, इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हुई है जो इनिशियल प्रपोजल था। तो अभी हमने इसमें मैक्टिमाइजेशन भी की है, जो ब्रिज पार्ट है उसकी मैक्टिमाइजेशन हमने अपनी की है। अभी हमारे इसमें दो अप्रोच उनका काम चल रहा है, मणिग्राम साइड से वायल साइड से, दोनों कंप्लीट हुए हैं। जो वायल साइड से उधर हमें अप्रोच को एक्सटेंड करना है ड्यू टू द उसमें जो डिज़ाइन चेंज हुआ है उसकी वजह से, लेकिन टेम्प्रेरी अप्रोच हमने बना दिया है ट्रैफिक अगर जब भी इनोवेशन का डिसाइड होगा। और जो मणिग्राम साइड है वहाँ से भी हमें भी मैक्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, वो भी वो स्टार्ट होगा विद इन फ्यू डेज, वो स्टार्ट कर लेंगे। वंस द मैक्टिमाइजेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड फ्रॉम मणिग्राम साइड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर लेगी ब्रिज को कब इसको थ्रो करना है। इसमें कंटिन्यूसली इसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, हमारे चीफ इंजीनियर साहब है, डीसी साहब है, कंटिन्यूसली इसमें वॉच कर रहे हैं। चीफ साहब कंटिन्यूसली आ भी रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट ब्रिज है। तो जब भी इसकी वो मैक्टिमाइजेशन का प्रोसेस मणिग्राम साइड से कम्प्लीट होगा तो उसके बाद ब्रिज को एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी कब उसको थ्रो करना है। बताओगे कि प्रॉब्लम्स कितनी ईज होगी, जिस वक्त जो वहाँ पर वैली ब्रिज काम कर रहा है वो वन साइड है, हेवी उधर तो कभी कभी चलने में भी जो अगर बड़ी गाड़ी आती है तो इंसान पेडेस्ट्रियन भी उसमें क्रॉस नहीं कर पाते। क्या उस पुराने पुल को फिर बंद किया जाएगा या उसको भी ट्रैफिक के लिए ओपन रखा जाएगा? वो हम देख लेंगे, उसमें अभी खास डिसीजन नहीं हुआ है। जब ये ब्रिज थ्रू हो जाएगा उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर।